डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज तारीख है 31 जनवरी 2019। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्पिनाकल और फ्रंटियर आईएस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करें, बेल आइकन पर आप क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे पूछा गया था कि हज पर GST 18% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है, तो उत्तर जो है इसका वो है 5%। दूसरा प्रश्न है, हमारे निर्वाचन को समावेशी और सुगम्य बनाने के लिए किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, उत्तर है इसका नई दिल्ली। आज हमने आपके लिए थोड़ी तब्दीलियां की हैं और तब्दीली ये है कि ऊपर पूरी तरह से अंग्रेजी का प्रश्न नजर आएगा और नीचे हिंदी में ऑप्शंस को भी हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यह नया तरीका आपको पसंद आएगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखकर बताएं। पहला प्रश्न देखो, चित्रा मुदगल उन 24 लेखकों में शामिल हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस भाषा में लिखती हैं, तो उत्तर होगा इसका हिंदी। वो हिंदी भाषा में लिखती हैं और अभी हाल ही में 24 जो हमारी भाषाएं हैं उनमें ये पुरस्कार दिए गए हैं। और चित्रा मुदगल को आपसे भी पूछा जा सकता है कि उन्हें उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया, तो इनकी पुस्तक का नाम जो है वो है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ये पुस्तक का नाम है जिसमें कि इन्होंने एक किन्नर के जीवन पर जो है वो सारी कहानी लिखी है। तो उत्तर क्या है, उत्तर है हमारा हिंदी। मैं आपको इनकी तस्वीर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है पुरस्कार ग्रहण करते हुए। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, हर वर्ष दिए जाते हैं भारतीय लेखकों को जिन्होंने अपनी भाषा में, जो भी है हमारी ये 24 भाषाएं उनमें बहुत ही बढ़िया काम किया हो। ये जो पुरस्कार है इनको 1954 में स्थापित किया गया था, इनके बारे में आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ इन पुरस्कारों में 1,00,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। तो ये थी जानकारी प्रश्न एक के बारे में। यहाँ पर बात हो रही है लेखकों की, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हाल ही में मैंने अपने वीडियोस में आपके साथ कवर किया था कि कृष्णा सोबती जी का निधन हुआ है। वो भी एक जानी मानी लेखिका थी, हिंदी में लिखती थी वो और ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था। ओके, इनका हाल ही में निधन हुआ। और कल के वीडियो में मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी के बारे में, जो कि भारत के रक्षा मंत्री रहे थे, उनका भी निधन हुआ। उनके कार्यकाल में कारगिल का युद्ध हुआ था और पोखरण टेस्ट 2 भी हुआ था। साथ ही साथ उनके बारे में यह भी महत्वपूर्ण जानकारी थी कि वो समता दल के संस्थापक थे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। कहूंगी कि इन दिनों हमारा गणतंत्र दिवस ऑफर चल रहा है जिसमें हम 50% की छूट दे रहे हैं फ्रंटियर आईएएस के और पिनाकल के सभी प्रोडक्ट्स पर। ये हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। अधिक जानकारी के लिए ये हमारी वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हैं। ये फोन नंबर है अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, और ये ईमेल है जिस पर आप मेल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो ये रिपब्लिक डे ऑफर है ये पिनाकल के भी सभी प्रोडक्ट्स पर है। 31 जनवरी तक 50% की छूट है, 50% की छूट है। ये वेबसाइट है, ये फोन नंबर है और ये ईमेल आईडी है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न पर आपको ले आई हूं। और यहां पूछा गया है, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के केंद्रीय बैंकों द्वारा शुरू की गई आम या सार्वजनिक डिजिटल मुद्रा का आपको नाम बताना है। वहां पर जो उनके केंद्रीय बैंक है उन्होंने एक नई मुद्रा की शुरुआत की है और ये जो मुद्रा है इसका नाम है अबेर, ABER जिसको हम कहेंगे, ये अबेर। उत्तर क्या है इसका, उत्तर जो है हमारा ए है। ठीक है, अब मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कहाँ पर है संयुक्त अरब अमीरात और कहाँ पर है सऊदी अरब। ये इसलिए किया गया है, दोनों के लिए एक कॉमन डिजिटल करेंसी की गई है ताकि जो भी इनके आर्थिक मामले वगैरह हैं उनका निपटान जो है वो आसानी से किया जा सके। अब भारत के संदर्भ में आप देखिए, अगर भारत से आप इस ओर देखते हैं तो ये सारे का सारा जो क्षेत्र है इसको हम अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं, अरेबियन पेनिनसुला। यहाँ पर जो सबसे बड़ा देश है वो है सऊदी अरब और यहाँ पर ये जो है ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सऊदी अरेबिया यहाँ पर राजधानी है रियाद, आप राजधानी यहां देख सकते हैं। यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है और गवर्नमेंट जो है वहां पर यूनिटरी इस्लामिक एब्सोल्यूट मोनार्की है। अगर हम बात करें
आपको केवल 15 व्यक्ति मिलेंगे पर किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में, और करेंसी एक बहुत ही पावरफुल मुद्रा है यहाँ पर सऊदी रियाल। ओके, अगर मैं बात करूँ दुबई यहाँ पर यूएई की, तो राजधानी यहाँ पर अबू धाबी है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है यहाँ पर खलीफा बिन जायद अल नयन, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम, और करेंसी यहाँ पर यूएई का दिरहाम है, वो भी एक काफी पावरफुल करेंसी है। अगले प्रश्न पर चलिए, अगला प्रश्न आपको दिखाती हूँ, ये प्रश्न तीन है। प्रश्न तीन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पेश करेगा। इन दिनों ये जो रिपोर्ट है ये चर्चाओं में है, ऐसा दिल्ली सरकार करने वाली है, तो उत्तर जो है इसका दिल्ली है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, इसने जो किसानों को न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, जिसको हम MSP भी कहते हैं, उसके ऊपर ये रिपोर्ट दी है। स्वामीनाथन कमेटी जो है, इसका गठन किया गया था साल 2004 में, और उसके बाद इसने पांच रिपोर्टें दी हैं। ओके, तो ये जो पांच रिपोर्टें हैं, इनमें जो अंतिम रिपोर्ट है उसको काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो इस बारे में काफी सारे सुझाव देती है कि किसानों की आमदनी को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। और दिल्ली ऐसा राज्य बनने वाला है जो कि चाहता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लागू किया जाए। ये था प्रश्न तीन। प्रश्न चार देखिए, किस देश से 2019 विश्व पैरा तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी जो है वो छीन ली गई है। ये प्रश्न चार है। ओके, मेजबानी क्यों छीन ली गई ये भी आपको बताऊंगी, पहले आपको इसका उत्तर बताती हूँ। इसका उत्तर है मलेशिया। मलेशिया में 2019 की विश्व पैरा तैराकी चैंपियनशिप होने वाली थी, और किन तारीखों के बीच में होने वाली थी, ये 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में होने वाली थी। और यहाँ पर जो लोग अच्छा परफॉर्म करते, अच्छा प्रदर्शन करते, उनका आगे चयन होता टोक्यो में होने वाले 2020 के पैरालंपिक्स के लिए। लेकिन मलेशिया से ये मेजबानी इसलिए छीन ली गई क्योंकि मलेशिया ने कहा कि इजराइल के जो खिलाड़ी होंगे ये उनको भाग लेने नहीं देगा। मलेशिया जो है वहां पर सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के अनुयायी रहते हैं, और उन्होंने कहा कि इजराइल जिस तरह से पैलेस्टीनियों का ट्रीटमेंट करता है, उस वजह से वो इजराइल के खिलाड़ियों को भाग लेने नहीं देगा। अब इसको खेल की भावना के विरुद्ध पाया गया, इसलिए उनसे ये मेजबानी जो है वो ले ली गई। ये था क्वेश्चन नंबर फोर। प्रश्न चार, अब मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कहाँ पर है मलेशिया। ये देखिए, ये भारत है, राइट, और इस तरफ अगर आप देखते हैं थोड़ा सा नीचे, ईस्ट में भी और साउथ में भी, यानी कि आप थोड़ा सा पूरब और दक्षिण में देखिए तो आपको एक कंट्री नजर आएगा। ये जो व्हाइट पोर्शन में आपको नजर आ रहा है, ये मलेशिया है। यहां पर राजधानी है कुआलालंपुर। पुत्रजाया जो है वो इनका प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। यहां पर सबसे बड़ा शहर कुआलालंपुर है। यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है और जो नेशनल लैंग्वेज है वो मलया है। करीबन 62% लोग जो हैं यहाँ पर वो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, और यहाँ पर जो इनकी मुद्रा है उसे रिंगेट कहा जाता है। ये थी जानकारी मलेशिया के बारे में। अगला प्रश्न, आ गए हैं प्रश्न पांच पर। प्रश्न पांच, विश्व इस्पात संघ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार स्टील के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। हाल ही में ये रिपोर्ट आई है और इसमें भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। भारत ने जापान को पछाड़ा, जापान जो है अब वो पीछे चला गया, और नंबर वन पोजीशन पर भी आप याद रखना, नंबर एक पोजीशन पर कौन है, नंबर एक पोजीशन पर तो चीन है। दुनिया में 51%, दुनिया की करीबन 51% जो स्टील है वो बनती है चीन में, क्रूड स्टील जिसको हम कहेंगे, और उसके बाद नंबर दो पोजीशन पर आ गया है भारत। क्वेश्चन नंबर फाइव था ये। प्रश्न पांच, छठे प्रश्न पर चलती हूं। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, किस ब्रांड ने ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2019 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत ब्रांड शीर्षक का दावा किया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है ये। क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, प्रश्न सिक्स के लिए उत्तर हमारा फरारी है। फरारी
इटली में बनने वाली ये सुपर कार है, ओके, इटालियन सुपर कार निर्माता फरारी जो है वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इस रिपोर्ट के अनुसार। और ये जो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल है, इसने भारत की जो कंपनी है टाटा, उसको भी पोजीशन दी है। और कौन सी पोजीशन दी है? ये पोजीशन दी है इस साल। इससे पहले कौन सी पोजीशन थी? इससे पहले हम टाटा की जो पोजीशन थी पिछले आंकड़ों के अनुसार वो 104वीं पोजीशन पर था। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। और ये जो है ये दुनिया भर के जितने ब्रांड हैं अलग अलग, उनको ये रैंकिंग देते हैं। आगे चलती हूँ अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न 6 था। प्रश्न 7, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे पर देश का पहला भौगोलिक संकेत GI टैग स्टोर जो है वो शुरू किया है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ओके। प्रश्न 7 है और इसका उत्तर क्या होने वाला है? ये गोवा में शुरू किया गया है, ओके। गोवा में इसको शुरू किया गया है, तो दाबोलिन, ओके, दाबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, वहां पर इसकी शुरुआत की गई है, ओके। ये जो GI स्टोर है, जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आर्टिस्ट और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह में जो आते हैं, जो आर्टिशंस है बनाते हैं, उनको प्रमोट करेगा, उनको बढ़ावा देगा वहां पर हवाई अड्डे पर। प्रश्न 7, हमने बात की गोवा की, चलिए फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ मैप में गोवा कहाँ है। भारत का सबसे छोटा राज्य यहाँ पर लोकेटेड है गोवा, ओके। दो ही जिले हैं इसमें, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा। स्थापित कब किया गया था इसे? 30 मई 1987 को। राजधानी यहाँ पर पनाजी है। सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा शहर। गवर्नर मृदुला सिन्हा, चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर है। लेजिस्लेचर में केवल 40 सीटें हैं। और यहाँ पर जो भाषा है आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो है कोंकणी। ये थी जानकारी गोवा के बारे में। गोवा के बारे में आपको रिवाइज भी करवाती हूँ। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि अटल सेतु, ओके, अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ? अटल सेतु का उद्घाटन भी गोवा में ही हुआ था। अब यहाँ पर हम पुल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हमने एक डीफो ब्रिज के बारे में भी बात की थी। ये जो डीफो ब्रिज है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। और जो भारत और चीन का बॉर्डर है, उसके पास ये उद्घाटन किया गया। और हमारी जो रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ये उद्घाटन किया था। साथ ही साथ जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको रिवाइज करती जाती हूँ, ताकि आपकी करंट GK काफी स्ट्रांग हो। 8वां प्रश्न, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है ये किस राज्य में बनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 है ये, और इसका उत्तर जो है वो होगा उत्तर प्रदेश। 8वें प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्होंने हाल ही में स्वीकृति दी है गंगा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए। आपको मैं बताती हूँ एक्सप्रेसवे क्या होता है, ये एक्सप्रेसवे कितना लंबा होने वाला है, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये सबसे लंबा होने वाला है। ये जो एक्सप्रेसवे है, ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई जो है वो करीबन 600 किलोमीटर होगी। और ये जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसमें मेरठ है, सहारनपुर है, वो सारा क्षेत्र है, उसको जोड़ेगा ये प्रयागराज से। और यूपी में इन दिनों प्रयागराज में कुंभ मेले का भी आयोजन करवाया जा रहा है। तो 600 किलोमीटर होगा और करीबन 36,000 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे क्या होती है? एक्सप्रेसवे जो है ये सबसे उच्च कोटि की सड़कें हैं भारत में, ओके। और जो हमारी नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के नीचे काम करती है, वो इन एक्सप्रेसवे को बनाती है, उनको मेंटेन करती है। और ये जो एक्सप्रेसवे हैं, ये हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए ही अधिकतर होते हैं। काफी जगहों पर इनमें कंट्रोल एक्सेस भी दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रोल एक्सेस का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर प्रकार के वाहनों के लिए वहां पर एंट्री नहीं होती है, प्रवेश नहीं होता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कहां पर है यूपी, जहां पर ये बनेगा। ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। जिले कितने हैं? 75। गवर्नर है यहाँ पर राम नायक। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर एरिया की बात की जाए तो ये भारत का 4था सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की बात की जाए तो नंबर 1 पोजीशन पर है। और इनकी सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा में। राष्ट्रीय अभियान स्वच्छ भारत यात्रा में सक्रिय भागीदारी के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य समग्र से सम्मानित किया गया है?
प्रश्न 9 यहां पर उत्तर होगा तमिलनाडु. आंसर क्या है प्रश्न 9 के लिए? आंसर जो है बी है. तमिलनाडु को यह दिया गया है बेस्ट स्टेट ओवरऑल क्योंकि उन्होंने बहुत ही सक्रियता से भाग लिया स्वस्थ भारत यात्रा में जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था 16 अक्टूबर 2018 से जो भारत में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने इसका आयोजन करवाया था. ओके और हाल ही में यह खत्म हुआ है 29 जनवरी को. ये थी जानकारी प्रश्न 9 के बारे में. मैप में फटाफट देख लेते हैं कहां पर है तमिलनाडु. दूर दक्षिण में हमारा ये राज्य है तमिलनाडु. ओके ये देखिए ये है तमिलनाडु. जनवरी 1950 में ये बनाया गया था. 26 जनवरी 1950 आपके लिए याद रखना मुश्किल नहीं होगा. राजधानी यहां पर चेन्नई है. गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित. के पलानी स्वामी चीफ मिनिस्टर है. यूनिकैमरल ओके यहाँ पर लेजिस्लेचर है. 32 जिले हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट है. एरिया की बात की जाए तो भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है. जनसंख्या की बात की जाए तो ये 6ठे स्थान पर है. अब मैं आ गई हूँ आपको लेकर अंतिम प्रश्न पर. अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसे निम्नलिखित में से किसे गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार मिला है. ओके गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है दिल्ली में उसमें जो अलग अलग राज्य होते हैं वो अपनी झांकियां दिखाते हैं. ओके जिसको हम अंग्रेजी में टैबल्यू कहते हैं तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है त्रिपुरा को. प्रश्न 10 हमारा उत्तर जो है वो त्रिपुरा है. अब त्रिपुरा जो है उसको ये पुरस्कार मिला है. त्रिपुरा प्रथम स्थान पर रहा. दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा और तीसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर कौन था? दूसरे स्थान पर था जम्मू और तीसरे स्थान पर कौन था? तीसरे स्थान पर था पंजाब. ओके ये जो पुरस्कार है ये जो हमारी रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमन उन्होंने दिए. और अगर हम बात करें विभाग में ओके विभागों की श्रेणी में पुरस्कार किसको मिला तो पुरस्कार जो है वो CISF और ICAR को इन दोनों को संयुक्त पुरस्कार मिला. ये था हमारा प्रश्न 10. मैप में आपको मैं त्रिपुरा दिखाती हूं लेकिन उससे पहले ये देखिए ये है त्रिपुरा की झांकी गणतंत्र दिवस के अवसर पर. यहां पर देखिए ये जो छोटा सा राज्य है ये त्रिपुरा है. राजधानी अगरतला. टोटल यहां पर 8 जिले हैं. गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी और चीफ मिनिस्टर है यहां पर बिप्लब कुमार देव. अब मैं आपको ले आई हूं आज के महत्वपूर्ण कीवर्ड्स पर. चित्रा मुदगल जो है इनको चित्रा मुदगल जी जो हैं इनको पुरस्कार मिला है. हिंदी की लेखिका हैं ये और इनको जो पुरस्कार मिला है वो साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है हिंदी में लिखने के लिए. ओके अगला हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अगला जो है हमारा वो है UAE और सऊदी अरेबिया. इन्होंने नई करेंसी लॉन्च की एक ज्वाइंट करेंसी डिजिटल करेंसी जिसका नाम है अबेर. स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवाएगा दिल्ली. वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जो है उसकी मेजबानी छीन ली गई है मलेशिया से. स्टील के उत्पादन में भारत नंबर 2 पोजीशन पर आ गया. ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 के अनुसार फरारी जो है वो सबसे पावरफुल ब्रांड है. ग्लोबल इंडिकेशन जो है उनका एक स्टोर खुला है डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में. सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा उत्तर प्रदेश में. स्वस्थ भारत यात्रा में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा और रिपब्लिक डे परेड 2019 में राज्यों की जो झांकियां होती हैं उनमें प्रथम स्थान पर रहा त्रिपुरा. तो ये थे हमारे समरी कीवर्ड्स. आगे चलते हैं क्विज फॉर द डे पर आपको ले आई हूँ. भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे किस राज्य में बनाया जाएगा और कौन सा राज्य स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पेश करेगा? आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में. साथ ही आपको वीडियो में ये बदलाव कैसा लगा मुझे वो भी आप जरूर बताइए. वीडियो को पसंद करना बिल्कुल ना भूलें. वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. रोज सुबह 4 बजे आपके लिए जो वीडियो है हमारे चैनल्स पर अपलोड होती है सारा दिन आप जितनी बार चाहें वीडियो को देख सकते हैं. और हमारे गणतंत्र दिवस ऑफर का भरपूर फायदा उठाएं. आज अंतिम दिन है. शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.